गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं शिवम पांडे आपका इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे स्वागत करता हूँ। आई होप जो लोग पहली बार इस क्लास में आए हैं उसने उन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिक्कत है, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो उसके कुछ बेनिफिट्स हैं। जब भी मेरी क्लास लगेगी तो आप इस चैनल पर, जब भी मेरी क्लास, कोई भी क्लास लगती है तो आपको इस चैनल पर जब भी मेरी क्लास लगेगी तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दूसरा बेनिफिट ये है कि जैसे मान लो अगर मैं क्लास ले रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और तुमसे आज ये क्लास मिस हो गई, अब तुम दोबारा 2 दिन बाद मेरा लेक्चर ज्वाइन करते हो और तुमको मेरी ओल्ड क्लास फिर से देखनी है, तो बेनिफिट ये है कि ये जो मेरी क्लास है, जो ओल्ड क्लास है, वो तुम देख सकते हो। क्योंकि अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो वो मेरी सारी क्लासेज जो हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दिख जाएंगी। नाउ देयर अनदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आज क्लास तो फ्लूइड मैकेनिक्स की है, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि आज से पहले जिन लोगों को नहीं पता है, जो मुझे पहले नहीं देखे हैं इस प्लेटफॉर्म पर या जो पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि माय नेम इज़ शिवम पांडे। आप देख सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ एंड माय टीचिंग एक्सपीरियंस इज 3+ ईयर। बाकी आप जो भी क्वालिफिकेशन वगैरह है वो आप देख ही सकते हैं। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे, अगर कोई भी बच्चा मुझसे डायरेक्टली जुड़ना चाहता है, जिसको मेरे क्लास की PPT, PDF एंड क्लास के नोटिफिकेशंस जो भी हैं या क्लास के जो भी हमारी क्लासेज लगती हैं उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप, ये ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है मेरा, इसके थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, इस चैनल पे, इस पे क्या है कि इस टेलीग्राम चैनल में जो भी मेरी क्लासेज होंगी उसकी लिंक वगैरह आपको मिलती रहेंगी, और साथ साथ में जो भी मेरे क्लासेज हैं उनसे रिलेटेड जो भी PPT एंड PDF है वो भी प्रोवाइड की जाएगी। नाउ हर क्लास में हम बताते हैं, इस क्लास में भी बता रहे हैं, हर एजुकेटर आपको बता रहा है कि अनअकैडमी के किसी भी एजुकेटर की आप क्लास देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे, चाहे स्पेशल क्लास, चाहे प्लस क्लास, इवन प्लस क्लास, अगर आपको ऐसा लगता है कि उस एजुकेटर ने कुछ ऐसा पढ़ाया है जो इनअप्रोप्रिएट है, जो कम्यूनल है, जो आपको लगता है स्टूडेंट्स के लिए नहीं सही है, पॉलिटिकली ओरिएंटेड है, या कुछ गलत सलत पढ़ाया है कुछ भी, तो आप उस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में रिपोर्ट कर सकते हो। हमारी ऑडिट टीम उसको ऑडिट करेगी। अगर आपका रिपोर्ट जेन्युइन है तो आपको, आप एक अच्छा प्राइज जीत सकते हो अनअकैडमी की तरफ से। जो लोग हमें प्लस और स्पेशल क्लासेस में फॉलो कर रहे हैं, वहां भी आपको 100% दिया जा रहा है, जो बेस्ट से बेस्ट जो है वो चीजें प्रोवाइड की जा रही है। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप स्पेशल और यूट्यूब के अलावा प्लस क्लास सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं तो प्लस प्लस सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए, क्योंकि प्लस सब्सक्रिप्शन के कुछ बेनिफिट्स होते हैं, लाइव क्लास, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारे कुछ आपको एक जगह मिलेगा। साथ में आपकी प्रिपरेशन जो होगी वो अच्छी हो जाएगी, मतलब आपका थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में हो जाएगी और प्रिपरेशन जल्दी हो जाएगी। तो आई विल सजेस्ट कि जो लोग प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं वो लोग लें। प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए, क्या लेटेस्ट ऑफर है, कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, तो आप इस टॉल फ्री नंबर पे, यहाँ जो नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं, और मेरा कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो मेरा कोड यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ जो लोग स्टेट AEJEE एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लीजिए या तो 12 मंथ का। 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन उनको लेना है जो कॉलेज में है, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन उनको लेना है जो कॉलेज से पास आउट है। 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन फीस देखिए 10,800 है, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन फीस 9,000 है। बट इसमें आप मेरा कोड देख सकते हैं SHIVSHIV, आप यूज करेंगे यू विल गेट ए डिस्काउंट ऑफ 10% और डायरेक्टली आप मुझसे अटैच हो जाएंगे। स्पेशल क्लासेज जो लोग नहीं प्लस ले पा रहे उनको बता दें, स्पेशल क्लासेज आपको बिल्कुल फ्री है। स्पेशल क्लासेज अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे होती है और स्पेशल क्लासेज के कुछ फीचर्स हैं, आप देख सकते हैं, इंटरेक्टिव लाइव का क्लासेज होती हैं, पोल्स फॉर द लर्नर्स अवेलेबल हैं, रेज ए हैंड सुविधा है, नेवर मिस ए क्लास, मतलब हर क्लास का नोटिफिकेशन जाएगा, लेक्चर नोट्स आप डाउनलोड करते हैं, ऑल दीज क्वालिटीज आर मतलब आपको एक ही क्लास में मिलेंगी, स्पेशल क्लास में। एनी टाइम एनी वेयर आप कहीं से भी ये क्लासेज अटेंड कर सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं, दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द स्पेशल क्लासेज। जो लोग SSC JEE एंड State AE की सब्सक्रिप्शन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि प्राइस जो है जल्द ही बढ़ने वाला है, प्राइस हाइकिंग के चांसेस हैं बहुत ज्यादा, तो आप जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, मेरा कोड यूज करिएगा SHIVSHIV, अभी प्राइस कम है, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ये टेस्ट हो गया आज। एक और फीचर मैं आपको बताऊंगा, आस्क ए डाउट फीचर जो अनअकैडमी पे अवेलेबल है, अनअकैडमी के वेबसाइट पर। अगर आप कोई भी क्वेश्चन, आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम है, आपसे नहीं हो पा रहा, कोई भी डाउट है आपको, तो उस डाउट को आप हमारे अनअकैडमी ऐप पर पूछिए, हमारे एक्सपर्ट आप जिस लैंग्वेज में चाहते हैं उस लैंग्वेज में उस डाउट का, पर्टिकुलर डाउट का परफेक्ट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट फ्लूइड मैकेनिक्स। और फ्लूइड मैकेनिक्स में जो लोग थे, अच्छी बात है, कल हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था। देखिए, मैं आज जो क्वेश्चन कराऊंगा वो कल क्वेश्चन जो मैंने करा दिए उसके आगे, ठीक है। तो जो लोग कल थे
जो लोग आज पहली बार क्लास में आए उनको मैं बोल दूं कि आप लोग पीछे की क्लासेस देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड सेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। और जो लोग मतलब कल थे और आज नए हैं, कल थे और आज नए नहीं हैं, उन लोग को आगे से करना है, यहीं से क्वेश्चन करना है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट करिए। इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द टूडे, नाउ वी विल स्टार्ट। और जिसका आ जाए वो मुझे जवाब बता दे, ठीक है? कहानी खत्म, अब कोई बातचीत नहीं होगी। जिसका आ जाएगा वो मुझे सोल्यूशन बताएगा सीधा कि सर ये होगा, और मैं बताऊंगा, मेरे सोल्यूशन का वेट करेगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट हो जाइए। किसी ने जवाब नहीं बताया अभी तक। सी शुभम साहू, हेलो। ए कल बताया था मैंने शुभम ये क्वेश्चन, गुड। तो आई थिंक कल मैंने ये क्वेश्चन बताया था और इसका जवाब सही है। आपको पता है ना कल ये क्वेश्चन हो गया था, ठीक है? उस कल ये क्वेश्चन हो गया था, फिर भी मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि रेनॉल्ड फ्रिक्शन फैक्टर जो होता है वो होता है 64/RE फॉर लेमिनार फ्लो, ठीक है? लेमिनार फ्लो के लिए। और आपको बता दूं यहाँ रेनॉल्ड नंबर 1500 से कम है तो ये लेमिनार फ्लो है, और लेमिनार फ्लो में आपको पता है जो फ्रिक्शन फैक्टर है वो फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड नंबर है, उसको नहीं मतलब है रिलेटिव रफनेस कितना है। तो आंसर हो जाएगा विल बी सेम इन बोथ पाइप, ठीक है? फ्रिक्शन फैक्टर दोनों में सेम होगा क्योंकि दोनों पाइप का रेनॉल्ड नंबर सेम है। लेमिनार फ्लो में आपको मैं बता दूं कोई भी रोल नहीं होता है रिलेटिव रफनेस का। रिलेटिव रफनेस का रोल बच्चों होता है टर्बुलेंट फ्लो में। कल मैंने ये डिस्कस किया था इसीलिए बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट जल्दी बताइए, ये लास्ट के दो क्वेश्चन मैंने कल कराए थे, अब इसके आगे नए क्वेश्चन हैं सारे, इसका भी जवाब बता दीजिए। ये भी कल मैंने एक बार डिस्कस किया था, बट यू कैन गिव द आंसर अगेन। जिसके पास जवाब हो बता दे। कल मैं आपको बता दूं 4 बजे भी मेरा लेक्चर है इवनिंग में, और रात को भी है, और पूरा थर्मोडायनेमिक्स कवर होगा, ठीक है? मैं थर्मोडायनेमिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा इंपॉर्टेंट, तो आप सभी लोग टाइमली इनवाइटेड हैं, क्लास में आ जाइएगा। चलिए इसका जवाब बताइए। ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है? कह रहा है टू पैरेलल प्लेट्स है, अगर नीचे वाला फिक्स हो स्टेशनरी हो और ऊपर वाला मूव करे और इसके बीच में कोई लिक्विड हो तो क्या होगा? दिस फ्लो इज नोन एज काउटी फ्लो, काउटी फ्लो, नॉट क्री फ्लो बेटा, दिस फ्लो इज नोन एज काउटी फ्लो, ठीक है? सो ध्यान से काउटी फ्लो, गुड। ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने कल कर लिया था, यहां से बताओ। ये लास्ट क्वेश्चन है। अनिशा सिंह जी ठीक है, इसका आंसर बताइए, गुड। 23 का बताइए, 23 का क्या होगा? इसका आंसर बताइए, 22 का 22 बी, ठीक है? इसका बताइए 23 का, इसका बताइए, छोड़िए। सी शुभम साहू इज सेइंग सी, ठीक है? शुभम साहू प्रेशर लॉस फॉर लेमिनार फ्लो पूछ रहा है। आपको पता है डेल्टा पी कल ही पढ़े थे, 32 μ V L/d² मतलब, ध्यान सुन लो, मतलब आपका डेल्टा पी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d². तो डायरेक्टली ऑन स्क्वायर पाइप रेडियस ये नहीं होगा, ठीक है? इनवर्सली ऑन फ्लो वेलोसिटी ये भी गलत है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो वेलोसिटी होता है। डायरेक्टली ऑन द लेंथ, हाँ डेल्टा पी जरूर लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर लॉस, ठीक है? तो सी इज द करेक्ट आंसर, डी भी नहीं होगा। देख लो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी, नहीं, डेल्टा पी इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी,
योर आंसर विल बी सी। नेक्स्ट, चलिए बताइए। ठीक है, विदाउट टाइम लिए आप सबको ये जवाब देना है कि विदाउट टाइम बर्बाद किए हुए। चलिए ये बताइए निशा जी। ठीक है, गुड, आपका ये आंसर सही है, इसका जवाब बताइए। चलिए, फ्लूड डायनेमिक्स का क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। बड़ा तेज बता रहे हैं आप लोग, रटे हुए। ठीक है, लगा लीजिए बर्नौलिस इक्वेशन। ये टोटल वाई मान लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, पी वन बाई रो जी प्लस वाई प्लस एच एस टू बाई एस वन, देख लीजिएगा, बराबर पी टू डिवाइडेड बाई रो जी एच प्लस वाई। प्रेशर इक्वल इक्वल कर लीजिए, यहां से आपको एक रिलेशन मिल जाएगा, ये सब हो जाएगा किसके इक्वल, वी वन स्क्वायर बाई टू जी इज इक्वल्स टू बचेगा एच एस टू बाई एस वन माइनस वन। तो वी वन कितना बचेगा, अंडर रूट टू जी एच एस टू बाई एस वन माइनस वन। ठीक है, मस्ट रिमेंबर दैट, जिसने ए बोला है वो सही बोला है, बी तो गलत है। हाँ बी होगा, सॉरी एस टू माइनस एस वन मतलब बी होगा, जिसने ए बोला था उनका गलत है। निशा सिंह जी क्या बोली थी आप, ए ना, आंसर गलत है आपका, थोड़ा सा इसीलिए जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। देखिए एस टू बाई एस वन होगा, ना कि एस वन बाई एस टू, देख लीजिए, मस्ट रिमेंबर दैट। इसीलिए जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए, पूरा सॉल्व करिए, आ जाएगा वी बराबर अंडर रूट टू जी एच एस टू माइनस एस वन। एस टू ऊपर ऊपर होगा, एस वन नीचे होगा। ठीक है, क्योंकि आपको बता दूं ये ओवरऑल वैल्यू वन से बड़ी होनी चाहिए, वरना ये नेगेटिव हो जाएगा। ध्यान सुनिए, एस टू शुड बी ग्रेटर देन एस वन, जो बड़ा होगा वो ऊपर होगा। नोटेड डाउन, ठीक है शुभम साहू, अगर ऐसे रटते हो तो ऐसे याद रखो। नेक्स्ट, चलो शुरू हो जाओ। ये क्या बता रहा है, टोटल एनर्जी पर यूनिट मास, टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखो ये पढ़े हो ना, पहले ये देख लो, ठीक है, बराबर कांस्टेंट पर यूनिट वॉल्यूम कैसे है? ध्यान सुन लो, ऊपर रूजी से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। अब मैं कह रहा हूं अगर तुम ध्यान से देखो, पर यूनिट वेट नहीं है, बाद में बोला था आपने, ए बोला था ना निशा जी। देखो P बाई रोजी, P यही इक्वेशन होता है, रोजी से डिवाइड किए हो पूरे को, तो यहां कांस्टेंट कांस्टेंट रहेगा, रोजी जेड रोवी स्क्वायर बाई टू। अब ध्यान सुनना, दिस इज नथिंग, दिस इज पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वेट नहीं है ये, ठीक है। पर यूनिट वेट की बात करते तो mg होता, यहां पे आप रो जी से मल्टीप्लाई की हो, दैट मीन्स यू आर टेकिंग टू द पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि वन बाय रो को स्पेसिफिक वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। सो योर आंसर विल बी सी नॉट बी, ठीक है, मस्ट रिमेंबर दैट। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट शुरू हो जाए इसका बताइए। शुभम साहू आप गलती मत किया, सचिन बस बहुसूरी जी ध्यान रखा करिए, पर यूनिट वेट की गलती मत किया करिए, पर यूनिट वेट और पर यूनिट वॉल्यूम में फर्क है, पी बाई रोजी होता तो पर यूनिट वेट होता। 26 का बी,
इफ कैलिब्रेशन चार्ट इज प्रिपेयर्ड फॉर हॉट वायर एनेमोमीटर फॉर मेजरिंग द मीन वेलोसिटी द हाइएस्ट लेवल एक्यूरेसी कैन बी, बताइए, इक्वल टू द पिटॉट ट्यूब एक्यूरेसी ऑफ द रोटामीटर एक्यूरेसी ऑफ द वेंचुरीमीटर। देखो आज के बाद से जिसको नहीं पता है हॉट वायर एनेमोमीटर इज द मोस्ट एक्यूरेट डिवाइस, ठीक है, ये याद रखिएगा, इससे बेहतरीन एक्यूरेसी किसी की नहीं है, मोस्ट एक्यूरेट डिवाइस। तो जो लोग आज से पहले नहीं जानते थे वो लोग जान लें कि पिटॉट ट्यूब, रोटोमीटर और वेंचुरीमीटर इन सब का पिताजी है हॉट वायर एनेमोमीटर। एयर के लिए यूज होगा, एयर वेलोसिटी के लिए, बट ये जो है जितने भी एबव इंस्ट्रूमेंट मेंटेन है इन सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगा, तो इट्स आंसर विल बी डी, ठीक है। तो ये गलत फहमिया खत्म कर दीजिए कि 26 का बी नहीं होगा, रोटामीटर के इक्वल नहीं होता, रोटामीटर से बहुत बहुत अच्छी एक्यूरेसी होती है हार्ड वायर एनीमोमीटर की। नेक्स्ट, नेक्स्ट चलिए, का जवाब बताइए, जिसका आ जाए वो बता देगा। जी गुड गुड, मैकेनिकल गुड, डिप्लोमा आई डोंट नो द नेम, ठीक है ठीक है, मैं अभी डिस्कस करता हूँ, और लोग को बताने दो। निशा जी सी गुड, और कोई, और कोई, अच्छा अगर तुम बाउंड्री लेयर की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, बाउंड्री लेयर की, खुद से बताना, तो बाउंड्री लेयर में तुम फ्लो को कैसे कैरेक्टराइज करते हो, जल्दी बताओ, बोलो, बाउंड्री लेयर की बात कर रहे हो तो तुम कैसे कैरेक्टराइज करते हो, दो फ्लो है, लेमिनार एंड टर्बुलेंट, गुड गुड गुड। अब तुमसे मैं पूछूं लेमिनार या टर्बुलेंट फ्लो होगा ये कैसे डिसाइड होता है, तो तुम बोलते हो रेनॉल्ड नंबर से, ध्यान सुनो, बाउंड्री लेयर में तुम बोलते हो ना कि सर पहले लेमिनार फ्लो मिलेगा, फिर ट्रांजिशन फ्लो मिलेगा, फिर थोड़ी देर लेमिनार सब लेयर, फिर टर्बुलेंट फ्लो, लेमिनार ट्रांजिशन सब लेमिनार और टर्बुलेंट, मतलब बाउंड्री लेयर के अंदर जो अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो आपको लेमिनार टू टर्बुलेंट मिल रहा है। तो अगर आपसे देखा जाए विद इन द बाउंड्री लेयर कौन सा चीज सबसे इंपॉर्टेंट है डिसाइड करने के लिए, वो है रेनॉल्ड नंबर, क्योंकि रेनॉल्ड नंबर ही बताएगा कितना लेमिनार है, कितने दूर टर्बुलेंट है। और रेनॉल्ड नंबर का अगर तुम डिफिनेशन देखोगे क्या होता है भैया, इनर्सिया बटे विस्कस फोर्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रेनॉल्ड नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्सिया बटे विस्कस फोर्स। सो विच टू फोर्सेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट या प्रीडोमिनेंट फोर्सेज एक्टिंग इन द बाउंड्री लेयर ओवर ए फ्लैट प्लेट, योर आंसर विल बी डी, विस्कस एंड इनर्सिया फोर्स। एक किसी स्टूडेंट ने सही दिया था जवाब, हु इज दिस, किसी एक ने सही दिया था, अब कौन था मुझे नहीं मालूम, शायद राज भदौरिया, हाँ ठीक है निशा जी, बढ़िया याद है आपको, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, किसी एक ने सही दिया था, बढ़िया याद है निशा जी, गुड। चलिए बताइए, इसको बताइए, मैच द कॉलम, जिसका आ जाए वो मुझे बता देगा, टाइम दिया आपको 2 मिनट का। भैया टाइम लीजिए और जवाब बताइए। हाँ भदौरिया जी आपका जवाब सही था, आई एम नॉट सेइंग दैट योर आंसर इज रॉन्ग। सही था आपका जवाब, इसका जवाब बताइए, सभी लोग बताओ। देखो मैं लिखता हूं, मिला लेना,
जिसका जवाब आ जाएगा वो बता देगा, जिसका नहीं आ रहा वो वेट करे मेरे जवाब का, ठीक है। डिस्चार्ज थ्रू वेंचुरी मीटर के थ्रू जो डिस्चार्ज होता है वो बच्चों होता है, ठीक है, मिला लेना। सी डी ए वन ए टू अंडर रूट टू जी एच अंडर रूट ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर, मिला लेना। अरे ठीक है भदौरिया जी, समझ गए। उसके बाद डिस्चार्ज थ्रू एन एक्सटर्नल माउथपीस, ठीक है, एक्सटर्नल माउथ पीस का जो फार्मूला होता है डिस्चार्ज का वो सबको याद होना चाहिए। क्यू जो होता है वो होता है 0.855 ए अंडर रूट टू जी एच, ठीक है। उसके बाद क्या है, रेक्टेंगुलर नोच, रेक्टेंगुलर नोच की वजह से डिस्चार्ज होता है। राज बहादुर मौर्य एम्स जी, ठीक है, ठीक है, राज बहादुर मौर्य जी, अब ठीक है। नाउ हैप्पी, 2/3 सी डी बी अंडर रूट टू जी एस थ्री पे पावर एच पे पावर 3/2, ये रेक्टेंगुलर नोच का होता है, लिख लीजिए। बाकी आपका क्या बचा, राइट एंगल नोच, राइट एंगल नोच, उसका फार्मूला हो जाएगा डिस्चार्ज का, लिख लीजिएगा, 8/15 सी डी अंडर रूट टू जी एच पे पावर 5/2। मैच द कॉलम कर लीजिए, मैंने सबका फार्मूला लिख लिया, नोट्स बना के लिख लीजिएगा, ये कई बार आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। राज बहादुर मौर्या जी अभी खुश हैं, आपका नाम सही से प्रोनाउंस कर दिया। चलिए, एक्चुअली मैसेजेस बहुत तेजी से ऊपर नीचे होते हैं ना, तो दिखाई नहीं देता है। चलिए बताइए, मैच द कॉलम अगेन, राज बहादुर मौर्या जी सवाल बताइए, नाम तो ले लिया मैंने सही से, अब इसका जवाब दीजिए। चलिए, नाउ योर टर्न, पे बैक, सही जवाब दीजिए। जवाब बताइए सभी लोग, आई एम वेटिंग। डी, ठीक है, देखता हूँ देखता हूँ, देखो, ठीक है ठीक है। राज बहादुर जी आपका अलग आ रहा है, निशा जी का अलग आ रहा है, मैं बताता हूँ। जो एनीमोमीटर होता है ना वो विंड वेलासिटी मेजर करता है, क्या मेजर करता है, विंड वेलासिटी, वेदर इंस्ट्रूमेंट में काम होता है आता है। पीजोमीटर किसके लिए यूज होता है बताना जरा, पीजोमीटर आपका स्टैटिक प्रेशर लेने के लिए, ठीक, पिटार्ड ट्यूब क्यों यूज होगा, डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड स्टैग्नेशन प्रेशर, ठीक है, लिख लीजिए, डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड स्टैग्नेशन प्रेशर, स्टैग्नेशन प्रेशर, ठीक है। और जो लास्ट दिया है ऑर्फिस मीटर, ये क्या मेजर करता है, फ्लो रेट या डिस्चार्ज कह लो, क्लियर। अब मैच द कॉलम कर लो, ए बी सी, सी आ रहा है क्या, योर आंसर विल बी सी, किसी ने सी दिया है तो सही है, हाँ ठीक है, राज बहादुर मौर्या, योर आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट असरसन रीजन, शुरू हो जाओ। नो 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 नो, निशा सिंह जी, पिट स्टैटिक प्रेशर नहीं मेजर करता है, स्टैटिक माइनस स्टैग्नेशन प्रेशर मेजर करता है निशा सिंह, ठीक है। स्टैटिक प्रेशर इज नेवर गोइंग टू मेजर्ड बाय द पिटार्ड ट्यूब, पिटार्ड ट्यूब जो होता है वो आइसोट्रोपिकली जब आप रेस्ट में लाते हैं फ्लूड को, अचानक से बहते पानी में आप कहीं पाइप डाल दीजिए तो फ्लूड अचानक से रेस्ट पे आता है ना, जब फ्लूड अचानक से रेस्ट पे आता है तो उस समय स्टैटिक प्रेशर नहीं होता है, स्टैग्नेशन प्रेशर होता है। तो स्टैटिक माइनस स्टैग्नेशन प्रेशर का डिफरेंस जो होता है दैट इज मेजर्ड बाय द आपका पिटार्ट ट्यूब, क्लियर। निशा सिंह जी अभी अगली बार से क्लियर मत करिएगा,
अगली बार से गलती मत करिएगा। अरे कोई बात नहीं राज बहादुर, ठीक है, आप और लोग को सवाल बताने दीजिए, आप अच्छा कर रहे हैं, और लोग को अपने तरीके। निशा जी आपका क्लियर हुआ? निशा सिंह क्लियर? देयर इज डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड स्टैग्नेशन प्रेशर। आप अचानक से कहाँ यूज करते हो पिटा ट्यूब? रिवर में फ्लो हो रहा है, अचानक से कहीं पाइप लगा के और फ्लूड को रोक के आप मेजर करते हो, तो अचानक से फ्लूड को रोकते हो तो उस समय जो प्रेशर है दैट इज स्टैग्नेशन प्रेशर, ठीक है। नाउ बर्नौलीज इक्वेशन इज एन एनर्जी इक्वेशन, इज ट्रू आर फॉल्स? ट्रू आर फॉल्स? ट्रू ट्रू। और कह रहा है हाँ भाई, यूलर्स इक्वेशन का ही यूज करके तो बर्नौलीज आता है। यूलर्स इक्वेशन क्या कहता है? डीपी बाई रो जी डी जेड प्लस वी डी वी बराबर जीरो, ठीक। ये यूलर्स इक्वेशन है बच्चों, दिस इज यूलर्स इक्वेशन। और यूलर्स इक्वेशन केवल दो चीज मांगता है, स्टेडी फ्लो, दो एजम्पशन, और दूसरा फ्लो इज नॉन विस्कस, ठीक। फ्लो इज नॉन विस्कस, ध्यान सुनना, ठीक है। अच्छा अब आप एक काम करो, इसको इंटीग्रेट करो। अब इसको इंटीग्रेट करोगे, डीपी बाई रो प्लस जी डी जेड प्लस वी डी वी का इंटीग्रेशन बराबर जीरो, ठीक है। जीरो का इंटीग्रेशन आ जाएगा एक कांस्टेंट सी। अच्छा आपको इसमें फ्लूड को जब इनकम्प्रेसिबल मानोगे, एक और एंजम्पशन मानना पड़ेगा, फ्लूड इज इनकम्प्रेसिबल, तो रो कॉमन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पी बाई रो प्लस जी जेड प्लस वी स्क्वायर बाई टू बराबर कांस्टेंट। यही तो है, यही यही तो है, यही तो है बर्नौलीज इक्वेशन। तो ऑब्वियस सी बात है, यूलर्स से, ये यूलर्स इक्वेशन है, ये बर्नौलीज इक्वेशन है। तो यूलर से बर्नौलीज निकाल लिए कि नहीं निकाल ले? निकाल लिए। तो वन इज ट्रू, सेकेंड इज ट्रू, एंड बोथ आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो क्या है, बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। डी ओके, नो नो इशू, नो इशू, नो फाइटिंग, नो फाइटिंग। निशा जस्ट अवॉइड, ठीक है। अपनी तैयारी करो, तैयारी इतने साइलेंटली करो कि किसी को बतानी ना पड़े कि तुम कंफ्यूज हो कि अच्छे हो, रिजल्ट स्पीक करे, ठीक है। नो इशू, नेक्स्ट, ठीक है। चलो इसका जवाब बताओ, डोंट बी पैनिक, इसका जवाब बताओ, बताओ। तबीयत नहीं सही है, इस पे क्लास ले रहा हूं, तो आप लोग भी मेहनत करिए, जल्दी बताइए। जो बताएगा सोच समझ के सही जवाब देगा। वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स, जल्दी बताइए। बी, ग्रेट, करण डोगरा, योर आंसर इज करेक्ट, बी। भैया यूलर्स इक्वेशन का एजम्पशन क्या था? देखो फ्लूड शुड बी इन इनविसिड, फ्लो इनविसिड होना चाहिए, ठीक। उसके बाद क्या होना चाहिए, फ्लो जो है आपका स्टडी होना चाहिए, और साथ साथ में फ्लूड क्या होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल एंड होमोजीनियस, एंड होमोजीनियस वहीं लगेगा। तो अब बताओ, दो सही है, तीन सही है, योर आंसर विल बी टू एंड थ्री, दीज आर द करेक्ट मतलब एजम्पशंस ऑफ द यूलर्स इक्वेशन। क्लियर है? आई होप क्लियर। नेक्स्ट, चलो इसका तो जवाब 1 मिनट में बता दोगे तुम लोग। कैलकुलेटर अलाउ है मेरी क्लास में, लाया करो। हाँ शुभम साहू, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट देख रहा हूं ना यार, सबके मैसेजेस नहीं देख पाता हूं, बात समझो शुभम। क्या है कि मैं मतलब क्वेश्चंस भी देखना होता है, फिर ये भी देखना होता है कितने लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर दे दिया, तो आंसर आता है फिर ऊपर चला जाता है, ठीक। सो ट्राई टू गिव द करेक्ट आंसर। निशा जी मुस्कुराइए मत, सवाल बताइए, सवाल का जवाब बताइए, छोड़िए ये सब, इसका जवाब बताइए।
का जवाब बताइए। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, सिंपल सा वेंचुरी मैटर है, डिस्चार्ज पूछ रहा है। मैकेनिकल डिप्लोमा, डोंट वेस्ट टाइम, जवाब बताइए, जाने दीजिए, ये सब चीजें बाद में करिएगा, पहले सवाल बताइए। ठीक है, गिव मी द करेक्ट आंसर। कैलकुलेटर इज अलाउ इन माई क्लास, हालांकि इसमें कैलकुलेटर की जरूरत नहीं, बिकॉज दिस क्वेश्चन वॉज फ्रॉम ESC, बट गेट के क्वेश्चन में कैलकुलेटर अलाउ होता है, इसलिए मैं अलाउ कर रहा हूँ। अरे क्या है इसमें, डिस्चार्ज का फार्मूला लगा लो, क्या होता है डिस्चार्ज का फार्मूला वेंचुरी मीटर में? ठीक है, आपका सब कुछ दिया है, A1 A2 सब कुछ, ध्यान से देखो, एरिया 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो 5 × 3 यहाँ रख लीजिए, √5² - 3² √2, जी को रखिए 9.81, रीडिंग इक्वेलेंट है 5 सेंटीमीटर, इसको कर दीजिए 100। अच्छा यहाँ पे आप सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 10⁴, 10⁻⁸ हो जाएगा, और यहाँ भी कितना है 10⁻⁸, तो 10⁻⁴ बाहर आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द डिस्चार्ज। अगर सॉल्व करोगे तो 370 cm³/s आएगा, किसी एक बच्चे ने सही दिया है, सिंपल कैलकुलेशन है। आई थिंक करण जी ने करेक्ट आंसर दिया है, करण डोगरा। हाँ करण, योर आंसर इज करेक्ट, डी इज विल बी द करेक्ट आंसर। यही फार्मूला लगा देना है, सब कुछ दिया हुआ है, मैंने लिख दिया, लेकिन सब कुछ सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, भूलना मत। नेक्स्ट, चलो ये वाला जवाब बताओ, 3-4 मिनट देता हूं आपको, जवाब बताओ जवाब। जिसका आ जाए वो बताएगा मुझे। किसी का नहीं आया, करण डोगरा जी इसका जवाब बताइए, अभी तो आप सही बता रहे थे, कहाँ चले गए? जिसका आए भाई बताए अपने मन से जवाब। बी, गुड करण, सिंपल है यार, v² / 2g = h, h क्या हो जाएगा, c नहीं होगा, b होगा, ये हाइट दी हुई है 50 mm, v पूछा है। h हो जाएगा, 50 mm को मीटर में कन्वर्ट कर लो, डिवाइडेड बाई 1000, कितना आ रहा बताना, 0.981, इसको सॉल्व करोगे तो 0.99 आ रहा है क्या, 0.99 m/s, कितने लोग का बी आ रहा है, सिंपल v² = 2gh होगा, क्लियर है, हाइट ऑफ द ग्लास ट्यूब, खत्म, इसमें कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट, शुभम साहू जी बताइए, बता नहीं रहे हैं आप, अब मैं आपका देख रहा था आपकी बार, आपने जवाब नहीं दिया। जवाब बताओ,
बाकी लोग बताएंगे। तबका ए, ए बताइए करण जी कैसे भैया। कैसे ए होगा? आशीष आनंद सी, गुड। देखो इसमें मिसमैच है, करण डोगरा जी कैसे बता देते हैं, सी भी नहीं होगा। ध्यान सुनिए, योर आंसर विल बी, ये मिसमैच है, चारों ऑप्शन में गलती है, यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड होना चाहिए, ठीक है? ध्यान सुनो, हाँ ठीक है, मेरी बात सुनो, फोर्थ नहीं होगा। बर्नौलीज इक्वेशन में क्या होना चाहिए, फ्लो इज स्टडी एंड इनकम्प्रेसिबल होगा, पहला वाला ट्रू है, तो दूसरा वाला अनस्टडी और कंप्रेसिबल नहीं होगा, ठीक है? और उसके बाद इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन नेगलेक्ट होता है बच्चों अलॉन्ग द फ्लो ऑफ द स्ट्रीम लाइन, फ्रिक्शन नेगलेक्ट होता है, इसीलिए हेड लॉस कंसीडर नहीं करते हम। हेड लॉस कंसीडर करते हो क्या बर्नौलिस में? हेड लॉस जीरो लेके चलते हो, मतलब अप ड्यूरिंग डेरिवेशन ऑफ द बर्नौलिस इक्वेशन आप फ्रिक्शनल लॉस को कंसीडर नहीं करते, हेड लॉस जीरो होता है, इसीलिए आप कहते हो एनर्जी इज कॉन्स्टेंट, मैकेनिकल एनर्जी इज कॉन्स्टेंट, ये टोटल एनर्जी ही तो है, ये क्या है? अगर लॉस नहीं हो रहा है तो सारा का सारा एनर्जी कांस्टेंट है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो योर आंसर विल बी फर्स्ट एंड थर्ड। तो यहां मिसप्रिंट था, फर्स्ट एंड सेकंड लिखा था, इसको फर्स्ट एंड थर्ड कर लो, योर आंसर विल बी ए। जिंदाबाद भैया, क्लियर है? हाँ तो ठीक कर रहा हूं ना भाई, अब मिसप्रिंट है तो हम लोग तो, मान लो आप लोग मिसप्रिंट नहीं समझ पा रहे, मैं तो समझ गया ना मिसप्रिंट है, तो मैंने करेक्ट कर दिया। अगर मिस प्रिंट नहीं है तो, अगर आपको लग रहा था कि एक और तीन नहीं है तो आपको बोलना चाहिए था इसमें सारा आंसर गलत है, आपने ये तो नहीं बोला। दैट मीन्स आपने एक आंसर दिया, मतलब आप गलत भी सोच रहे हो ना कि चलो ये नहीं है तो ये मार दें। तो कभी भी आंसर देने की कोशिश मत करो, कभी भी केवल ट्राई करो कि आपका कॉन्सेप्ट क्या कहता है। नेक्स्ट, चलो शुरू हो जाओ। चलो ये बताओ, जल्दी बताओ। देखो ये इक्वेशन होता है पिटार ट्यूब में, वी स्क्वायर बराबर रूट टू जी बराबर डेल्टा पी बाई रो जी, ये होता है डिफरेंस बिटवीन, क्या बोला है, स्टैटिक ट्यूब, स्टैटिक प्रेशर ऑफ ए स्टैटिक, ये क्या है, स्टैग्नेशन एंड स्टैटिक प्रेशर ऑफ ए पिटार्ट स्टैटिक ट्यूब, डेल्टा पी को डिफरेंस कहते हैं स्टैग्नेशन और स्टैटिक प्रेशर का, वी स्क्वायर डेल्टा पी इंटू टू बाई रो, वी कितना हो जाएगा, डेल्टा पी 380 इंटू टू बाई रो 1.2, जो भी आ रहा है वेलासिटी हो जाएगा, कितना आ रहा है? पच्चीस दशमलव एक सात मीटर पर सेकेंड, यही आ रहा है क्या? यू आर गेटिंग डी आर नॉट? हाँ ठीक है, यू आर गेटिंग डी करण डोगरा, ठीक है। चलिए बताइए करण डोगरा जी, ये तो आपका फेमस है, जल्दी बताइए, बढ़िया क्वेश्चन है ये। टाइम दिया आपको 2-3 मिनट का। जिसका जवाब आ जाए वो बताएगा।
चलो इसका एक्सप्लेनेशन सुन लो। अच्छा है ये जो तुम लोग ये पढ़ते हो ना, पी बाई रो जी वी स्क्वायर बाई टू जी प्लस जेड बराबर कॉन्स्टेंट। इसमें क्या होता है, फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल होता है, अनस्टडी होता है, ई रोटेशनल होता है, ठीक है, ई रोटेशनल होता है। ये सब में बर्नौलिस के एजम्पशन होते हैं, फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल, स्टडी, ई रोटेशनल, इनविसिड। पर ये जो इक्वेशन देख रहे हो यहाँ, देखो फंक्शन ऑफ टाइम है तो ये अनस्टडी है, ध्यान सुनना। और ये आप देख रहे हो दिस इज द फंक्शन, पोटेंशियल फंक्शन, और ये आपको बता रहा है फंक्शन जो 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 आपका फ्लो है वो ई रोटेशनल की जगह रोटेशनल है। तो आप बोलोगे इट इज अगेन बर्नौलिस इक्वेशन, बट विच टाइप ऑफ बर्नौलिस इक्वेशन, अनस्टडी रोटेशनल बर्नौलिस इक्वेशन, बोलो जिंदाबाद। डी क्लियर है? सॉरी, ई रोटेशनल होगा, साई होता तब रोटेशनल होता, पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट करने का मतलब है ई रोटेशनल। तो आप बोलोगे दिस इज द अनस्टडी ई रोटेशनल बर्नौलिस इक्वेशन बी। आई एम सॉरी, यू विल से दैट इट विल बी वी। क्यों? क्योंकि देखो फाई एग्जिस्ट किया ना, फाई इज द पोटेंशियल फंक्शन, फाई डेल्टा स्क्वायर फाई वहीं एग्जिस्ट करेगा जहां रोटेशनल हो, सॉरी ई रोटेशनल हो, चीजें क्या हो, ई रोटेशनल। क्लियर? अगर साई होता मतलब स्ट्रीम फंक्शन तो जाके हम कहते कि यहाँ पे रोटेशनल की बात होगी, दिस इज अनस्टडी ई रोटेशनल बर्नौलिस इक्वेशन, अनस्टडी ई रोटेशनल बर्नौलिस इक्वेशन। क्लियर? आंसर विल बी बी। नोटेड डाउन, इसको स्टार बना के लिख लेना नोट्स में, दिस इज समथिंग जो आपको नहीं पता है, ये आपके नोट्स में होना चाहिए। क्लियर है? बोलो क्लियर? ये आप लोग नोट्स में ना पढ़ाया जाता है बर्नौलिस के समय, ना बताया जाता है, नेवियर स्टोक पढ़ाते वक्त आपको कहीं जाके ये समझ में आएगा। क्लियर है? शुभम जी, करण जी, अरे यस न तो बोला करो, सो दैट आई विल मूव फॉरवर्ड नेक्स्ट। शुरू हो जाइए। आप लोग कुछ बोलते ही नहीं है, बताया भी तो करिए। चलिए बताइए, बताइए इसका जवाब, बताइए, आसान क्वेश्चन है ये। करिए, चलिए बताइए, हम बता देते हैं अगर नहीं समझ में आ रहा है। डिस्चार्ज बराबर क्या होता है ऑर्फिस मीटर का भी, सीडी ए वन ए टू अंडर रूट ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर रूट टू जी एच। और अगर यहां से देखा जाए, अगर Q कांस्टेंट हो जाए तो CD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट एच। तो हम कह सकते हैं कि H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई CD स्क्वायर। क्लियर है? तो आपसे क्या पूछ रहा है, फॉर द सेम फ्लो रेट द रेशियो ऑफ द प्रेशर ड्रॉप फॉर द वेंचुरी मीटर कितना हो जाएगा, जितना हेड का ड्रॉप होगा H1 by H2 कितना आ जाएगा, 0.98 0.61 का होल स्क्वायर। देख लो, बी विल बी द योर आंसर। क्लियर है? कहाँ से आया मैंने आपको बता दिया। आप देखो, आप क्या करो, डिस्चार्ज का फार्मूला में Q को कांस्टेंट मान लो, ये पूरा कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, तो CD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट H, तो H इज क्या हो जाएगा, अगर मैं स्क्वायर कर दूं, H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू CD स्क्वायर। ठीक, CD ही बदला है
एक ऑर्फिस मीटर है और दूसरा वेंचुरी मीटर है। दोनों का फार्मूला सेम है, दोनों के केस में एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी डी स्क्वायर। तो ऑब्वियस सी बात है, एक बार एच वन निकाल लो, एक बार एच टू निकाल लो, और ऑब्वियस सी बात है जो उनके हेड का रेशियो होगा, जो उनके हेड का रेशियो होगा वही उनके प्रेशर का भी, क्योंकि प्रेशर ड्रॉप कितना हो गए, रो जी एच वन डिवाइडेड बाई रो जी एच टू, तो रो जी से रो जी कट ही जाएगा ना, तो एच वन बाई एच टू का जो रेशियो आएगा वही उनका प्रेशर ड्रॉप का भी रेशियो होगा, डेल्टा पी वन बाई डेल्टा पी टू। तो योर आंसर विल बी बी। हाउ मेनी ऑफ यू क्लियर, हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट क्लियर? दिस इज अ गुड क्वेश्चन, मतलब लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, बट यू हैव टू थिंक अबाउट लॉजिकली, थिंक अबाउट द क्वेश्चन, ठीक है? आपको क्वेश्चन के बारे में सोचना है बट कैसे, लॉजिकली। क्लियर है? क्लियर है तो बताइए तो मैं आगे बढ़ूं। क्लियर, नेक्स्ट जवाब भी बताइएगा, कई बार आ चुका ये क्वेश्चन वैसे। देखिए क्या लिखा है, द इंस्ट्रूमेंट प्रीफर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ हाईली फ्लक्चुएटिंग वेलोसिटीज इन एयर। मैंने आपको बताया विंड या एयर फ्लो के लिए जो हाईली एक्यूरेट होता है वो हार्ट वायर एनीमोमीटर होता है, 10 बार बता चुका फिर बता दे रहा हूँ, और ये मोस्ट एक्यूरेट होता है बाकी सबसे, किससे, रोटामीटर से, पिटार्ट ट्यूब से, इन सब से बेटर होता है, मोर एक्यूरेट होता है। डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अर्सर्सन रीजन। इसका जवाब बताइए। ये बताइए, जिसका आ जाए वो कमेंट बॉक्स में आंसर बताएगा। एक भी आंसर नहीं आया मेरे पास। अबे दोनों सही है यार, स्टेटमेंट वन भी करेक्ट है, स्टेटमेंट टू भी करेक्ट है, ठीक है, एंड बोथ आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन आल्सो। ठीक है, आपको पहले से पता होना चाहिए कि फ्लूड जो है, ऑब्वियस सी बात है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जो बोला है ना, उसमें दोनों जगह बर्नौलिस इक्वेशन लगा दो, ये बात प्रूफ हो जाएगी। और दो बर्नौलिस इक्वेशन ले लो, दोनों में जेड वन बराबर जेड टू रख लो, ठीक है, और क्या नाम है, सेम वेलोसिटी रख दो, वी वन बराबर वी टू कट जाएगा, तो ये क्या देगा, सेम प्रेशर एट द दीज टू पॉइंट, पी वन बराबर पी टू आ जाएगा। तो स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज ट्रू, एंड बोथ आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है शुभम साहू, चलो नेक्स्ट। मैं हल्का सा आइडिया देके चला जाऊंगा, बाकी आप लोग करिएगा। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गुड। मुझे बाद में मैसेज दिख रहा है शुभम, कोई इशू नहीं है। चलो बताओ इसका बताओ। देखो इस इक्वेशन को लगा लेना, मैं बता दे रहा हूँ क्या लगाना है, सी वी इज इक्वल्स टू, यही फार्मूला लगा के सबको करना है, एक्स स्क्वायर बराबर फोर एच वाई लगा लीजिएगा दोनों को, दोनों टाइम में सी वी बराबर होगा, एक बार आ जाएगा एक्स स्क्वायर फोर एच वाई में 0.5 एच प्लस 1.5, और एक बराबर बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर 4 × 2 × h, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आपको h मिल जाएगा 0.5, और क्या पूछा है,
टोटल हाइट पूछा है, टोटल हाइट, तो टोटल हाइट आप निकालने के लिए हो जाएगा 0.5 प्लस 1.5 प्लस 0.5, 1, 2, 2.5 मीटर निकाल लीजिएगा। यह आएगा 2.5, जिसका नहीं आएगा वो कर लेगा, ये फार्मूला लगा के चेक कर लीजिएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, नेक्स्ट। बहुत कुछ खास है नहीं, जल्दी जल्दी करेंगे ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन मैं कवर कर पाऊँ। चलिए बताइए। इसका जवाब बताइए। प्रॉपर 2 मिनट्स दिया है आपको। बाकी लोग करिए। चलिए करिए। जवाब आ जाए तो बताइएगा, जिससे लग जाए। वेट कर रहा हूं मैं। देखो क्या लिखा है, पिटार इज यूज टू मेजर एयर फ्लो विथ वाटर डिफरेंशियल मैनोमीटर एंड गेज प्रेशर डिफरेंस 75 mm, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एयर स्पीड। यही पूछा है। इफ पी बराबर इतना, ध्यान सुनना, रो एयर इंटू जी इंटू एच हाइट ऑफ द एयर बराबर रो, इसका है वाटर इंटू जी इंटू हाइट ऑफ वाटर। तो हाइट ऑफ एयर कितना आ जाएगा, नौ, रो वाटर कितना हो जाएगा 9.810, ये हो जाएगा 9.8 × 1000। हाइट ऑफ द वाटर लिखा हुआ है, गेज प्रेशर डिफरेंशियल मैनोमीटर 75, मतलब 75/1000, ठीक है, डिवाइडेड बाय रो एयर, डेंसिटी ऑफ द एयर दिया हुआ है ना 1.16, जी दिया हुआ है फिर से 9.81, एच एयर आ जाएगा यहाँ से। हाइट ऑफ एयर कितना आ रहा, जल्दी बताओ, हाइट ऑफ एयर आ जाएगा कितना, कैलकुलेट करके बताओ। शुभम साहब, मैंने दोनों तरफ प्रेशर को इक्वल कर लिया है। हाइट ऑफ द एयर प्रेशर इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द वाटर, वाटर प्रेशर, सॉरी प्रेशर ऑफ द एयर, हाइट ऑफ द प्रेशर, हाइट जो प्रेशर हाइट ऑफ एयर की वजह से जो प्रेशर होगा वो हाइट ऑफ वाटर की प्रेशर की वजह से इक्वल होगा। तो दोनों को इक्वल कर दिया हूं, ठीक है। वहां से मैं एच एयर निकाल रहा हूं, बताओ जरा, 64.65 मीटर ऑफ एयर, यही आ रहा है क्या, निकाल के देखो, सबका यही आ रहा है, हाइट ऑफ एयर अगर आ रहा है तो बताओ। और तुमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जी 9.81 इंटू एयर की हाइट कितनी हो जाएगी 64.65, ये आप यहाँ से लगा लें, वी बराबर √2gh से, एच है 64.565, सॉल्व करिए, यू विल गेट वेलोसिटी, ये 8 × 10 मान लो, 35.6 मीटर/सेकेंड, देखो आ रहा है क्या, सी इज द करेक्ट आंसर। 35 कितने लोग का आ रहा है, कुछ है नहीं इसमें, सिंपल वी बराबर √2gh कर देना है। नेक्स्ट, मैच द कॉलम, आई विल गिव यू 3 मिनट्स, 2 मिनट्स टू गिव द आंसर।
चलिए बताइए इसका जवाब। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, जिसका आ जाए वो बताएगा। देखिए पिटॉट ट्यूब किसके लिए यूज होता है? फ्लो स्टेगनेशन प्रेशर के लिए। तो एक अचार हो गया। माइक्रोमीटर इज समथिंग विच इज इक्वल टू द मैनोमीटर, मैनोमीटर की तरह होता है ये, किस लिए मेजर होता है? डिफरेंशियल प्रेशर के लिए, तो इसका हो जाएगा 3। पाइप बेंड मीटर किसके लिए यूज होगा? पाइप बेंड मीटर जो यूज होगा आपका रेट ऑफ फ्लो, ठीक है। वॉल प्रेशर ट्रैप ये आपका यूज होता है इस फ्लो स्टैटिक प्रेशर के लिए। हाँ सही है शुभम साहू जी, मतलब 1 4 3 2, 4 3 2 1, 4 3 2 1 मतलब बी। ठीक है, एक बच्चे ने सही दिया है। नेक्स्ट, ठीक है चलिए अभी क्या है, आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, मैंने मैक्सिमम अच्छे क्वेश्चन सारे के सारे अटेम्प्ट कराए हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। जिन लोगों को नहीं पता, नेक्स्ट मंथ मैं प्लस पे प्रोडक्शन शुरू कर रहा हूँ, प्रोडक्शन, ठीक है। और आपको बता दूं, इस मंथ अभी भी आपके पास टाइम है, आप सीख सकते हैं मोहर सर्कल, ठीक है। मैं इस पे एक कंप्लीट क्लास और प्योर टॉर्सन पे क्लास ले रहा हूँ, स्पेशल क्लास। कहाँ पर? अनएकेडमी ऐप पर। थ्योरेटिकल क्लास है ये, प्योर टॉर्सन एंड मोहर सर्कल दो चीज़ पढ़ाऊंगा, ठीक है। बुधवार को ये क्लास होगी, बुधवार को। सभी लोग शिवम पांडे, जो मेरा यहाँ पे एक लिंक पे, डिस्क्रिप्शन लिंक पे दिया होगा, एक क्या नाम है उसको, आप फॉलो कर लीजिए शिवम पांडे को अनअकैडमी ऐप पर। आपको ये जब भी मेरी स्पेशल क्लास लगेगी बुधवार को, टाइमिंग और नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है। प्लस पे नेक्स्ट मंथ प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है, जो भी मुझसे प्लस में पढ़ना चाहें पढ़ लें। नाउ 1 अप्रैल को आपका मैराथन सेशन होगा, ठीक है। ड्रैग फोर्सेस पे, फ्लूड मैकेनिक्स का एक टॉपिक है ड्रैग फोर्सेस, जिस पे मैराथन सेशन होगा 3 to 4 आवर्स का, 3 to 4 आवर्स का, इसी चैनल पर। आप सभी लोग रेडी रहिएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। आप किस पे? हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो मैंने टेलीग्राम चैनल दिया उस पे मैं लिंक शेयर कर दूंगा। आपको 1 अप्रैल को क्लास करनी है, सबको आना है, लाइव ड्रैग फोर्सेस सीखना है, फ्रॉम जीरो से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। कल जो लोग प्लस सब्सक्रिप्शन जिनके पास है वो कल मिस नहीं करेंगे, अगर वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। कल मैं आपको एक स्पेशल चैप्टर पढ़ाऊंगा, जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एंड एक और टॉपिक कराऊंगा, जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट के अलावा, आप एक जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, और एक और स्पेशल टॉपिक कराऊंगा थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन, ठीक है। थर्मोडायनेमिक रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी टॉपिक कराऊंगा, ठीक है। एक और आपको इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट दे करनी है मुझे, कि देखिए जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं सीरियसली, ठीक है, आप सबको बता दूं कि अगले नेक्स्ट मंथ से यूट्यूब पे जो मेरा टाइमिंग है, सेम टाइम 9 PM को, ठीक है, एवरी डे एट द रेट 9 PM एवरी डे, आपको इसी चैनल पे मैं स्टार्ट करूंगा थ्योरेटिकल क्रैश कोर्स, थ्योरेटिकल क्रैश कोर्स, ठीक है। और थ्योरेटिकल क्रैश कोर्स का जो नाम होगा दैट विल बी आपका आईसी इंजन पे मैं स्टार्ट करने की सोचा हूँ, ठीक है। मतलब आईसी इंजन आप कंप्लीट यूट्यूब पे फ्री कर सकते हैं, जो भी मैकेनिकल के हैं वो लोग पूरा कंप्लीट, फ्रॉम जीरो टू, मतलब आपका मैं बेसिक लेवल से हायर लेवल तक मैं कवर करूँगा। आपको करना क्या है, बस इतना सा काम करना है कि सबको ये क्लासेस शेयर कर देनी है, मैक्स टू मैक्स स्टूडेंट को। इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप लोग को आईसी इंजन मैं आपको बता रहा हूँ जितना किसी भी एग्जाम में जरूरी है, A to Z पढ़ाऊंगा, ठीक। कल भी आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट मैं बता दे रहा हूँ, एट द रेट 4 PM भी आपकी क्लास होगी 2 घंटे की, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के प्रीवियस ईयर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। फिर एट द रेट आप 9 PM सेम टाइम अगेन आप आइएगा, वहां भी बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के हम क्वेश्चंस करेंगे दोनों, मतलब बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का कल हम मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे कल इसी चैनल पर। ये दो समय मैंने दे दिया, 4 बजे शाम को, रात को 9 बजे, अन एकेडमी SSC JEE इसी चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। बी रेडी। अगर आज के लिए इतना काफ़ी है,
और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो एक सिंपल सी बात आपको हर क्लास में हर टीचर कहता है कि सबसे पहले इस क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जितने भी स्टूडेंट थे मैक्स टू मैक्स शेयर कर दीजिए। ये आप लोग एक सिंपल सा अगर ऐसा करते हैं तो इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच आज के लिए।